बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। सुनहरे राह में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें आप सब पर बरसती रहें। आज मैं आपकी खिदमत में जनाब मुफ्ती तारिक़ मसूद का बयान लेकर आया हूँ। इस्लाम में औरतों का नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो जितने भी नए देखने वाले हैं उनसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। ख़वातीन नमाज में क़याम और सजदा कैसे करें। बिन्ते खालिद महमूद सियालकोट से। ख़वातीन तकबीर तहरीमा में कितना हाथ उठाएं, हाथ किस तरह से बांधें, सजदे में पाँव किस तरफ निकालें और सलाम किस तरह फेरें। बिन्ते खालिद महमूद सियालकोट से पूछती हैं। देखिए, ख़वातीन तकबीर तहरीमा में हाथ किस तरह उठाएं। ख़वातीन की जो नमाज है वो मर्दों से ज़ाहरी कैफियत के लिहाज से मुख्तलिफ है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। इस पर मैं दलाइल से कई बार रिकॉर्डिंग भी करवा चुका हूँ। ये अब शुरू किया है, फतावा बाज़ उलमा ने दिए हैं कि ख़वातीन ऐसे ही नमाज़ पढ़ेंगी जैसे मर्द नमाज़ पढ़ते हैं। और दलील ये देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो हम ये कहते हैं ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है, हदीस में भी आता है खुदू अन्नी मनासिककुम, हज ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद पूरी उम्मत का इजमा है कि ख़वातीन हज में रमल नहीं करेंगी, जो सीना अकड़ के तवाफ़ किया जाता है। हालांकि किसी हदीस में नहीं है कि ख़वातीन रमल करें या ना करें, कहीं भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इसका ताल्लुक़ पर्दे से है, औरत की हया से है, तो पूरी उम्मत का इजमा है कि ख़वातीन रमल नहीं करेंगी। सफ़ा और मरवा की सई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सफ़ा और मरवा की सई दौड़ कर की है। कहीं भी नहीं है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दौड़ने से मना किया हो। लेकिन हम इसके बावजूद तमाम उम्मत के उलमा, जिसमें हमारे अहले हदीस उलमा भी शामिल हैं, वो सब औरत को सफ़ा और मरवा में दौड़ने से मना करते हैं। हालांकि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में कोई भी कौल मौजूद नहीं है। लेकिन पूरी उम्मत ने इजमा क्यों किया कि भाई औरत का ताल्लुक़ हया से है और इबादत में हया का उनसर झलकना चाहिए। इसी वजह से पूरी उम्मत आज तक इस पर इत्तिफाक़ रहा है कि औरत दौड़ेगी नहीं। इसी तरह लब्बैक आहिस्ता कहना, तो हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लब्बैक ज़ोर से कहा है, लेकिन और औरत को कहीं भी नहीं है हदीस में कि नबी ने ज़ोर से लब्बैक कहने से मना किया हो। मगर पूरी उम्मत का इजमा है कि औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, क्योंकि हज एक इबादत है और इबादत में औरत की हया का उनसर झलकना चाहिए। तो इसी बेसिस पर उम्मत का इस पर भी इजमा रहा है कि अगरचे हदीस में सराहतन नहीं है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़े, लेकिन पूरी उम्मत का इजमा रहा है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी, मर्दों की तरह चौड़ी होकर कुशादा होकर नमाज़ नहीं पढ़ेगी, जैसे मर्द सर्दा करते हैं या मर्द रुकू करते हैं। इसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम अहमद इब्ने हम्बल तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि औरत नमाज में तकबीर तहरीमा वाला रफ़ुल यदैन ही नहीं करेगी ताकि हाथ उठाना ही ना पड़े उसको। तो इन और इमाम शाफी से भी यही मनकूल है कि सिमट के नमाज़ पढ़ेगी। तो चारों अइम्मा से मनकूल है, ताबीन, तबा ताबीन, और आज तक उम्मत का इस पर इजमा चला आ रहा है। तो अब अगर कोई इसमें हदीस का मुतालबा हमसे करता है कि हदीस में दिखाओ कि कहाँ लिखा है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी, तो उससे फ़ौरन आप मुतालबा करें कि हदीस में ये कहाँ लिखा है कि औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, औरत सफ़ा और मरवा की सई जो है वो दौड़ेगी नहीं उसमें, बल्कि चल के करेगी, और औरत रमल नहीं करेगी, सीना खड़ा के पहले 3 चक्कर नहीं लगाएगी तवाफ़ के। तो जैसे वहाँ हदीस नहीं है उम्मत का इजमा है, तो ऐसे यहाँ भी हदीस नहीं है उम्मत का इजमा है। यानी हदीस से मेरी मुराद कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सहाबा ताबीन के आसार हैं, वो जो है वो तो मौजूद है हमारे पास। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सिर्फ असलाफ़ में सिर्फ एक खातून का तस्करा किया है कि वो मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ा करती थी। तो इससे साफ पता चलता है कि इमाम बुखारी ने असलाफ़ के जिस दौर का तस्करा किया उसमें मर्दों और औरतों की नमाज में फ़र्क मशहूर था। तभी तो इमाम बुखारी कह रहे हैं कि फ़लाँ खातून मर्दों की तरह पढ़ रही हैं। तो पता चला कि असलाफ़ के दौर में मर्दों की तरह नमाज अलग थी, औरतों की तरह अलग थी। तो इससे साफ पता चलता है कि उन औरत के अलावा जितनी औरतें थीं असलाफ़ में, सहाबा और ताबईया, वो सारी औरतों की तरह नमाज़ पढ़ रही थी। तो इसलिए इमाम बुखारी ने सिर्फ एक खातून का तस्करा किया है। तो बाकी तमाम उनके अपोजिट चल रही थी और वो औरतों की तरह सिमट के नमाज़ पढ़ रही थी। ये वो दलाइल हैं जिनका इंतहाई एहतराम के साथ अहले हदीस उलमा के इंतहाई एहतराम के साथ ये वो दलाइल हैं जिनका हमें इस जवाब नहीं मिलता। इसलिए ये पूरी उम्मत का इजमा है कि ख़वातीन जो है वो सिमट के नमाज़ पढ़ेंगी। बाज़ हज़रात तो इसमें तशद्दुद बरतते हैं और हनफिया को बहुत लताड़ते हैं कि इन्होंने हदीस की मुखालफत की और औरत को हुक्म दिया है कि वो सिमट के नमाज़ पढ़े, हदीस की मुखालफत की है। लेकिन अजीब बात है कि यही हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल पे क्यों एतराज़ नहीं करते, ये हज़रत इमाम शाफी पे क्यों एतराज़ नहीं करते। इमाम अहमद इब्ने हम्बल और इमाम शाफी तो ये हदीस अपनी मुस्नद में लेकर आए हैं कि सल्लू कमा रअय्तुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। इसके बावजूद इसके ख़िलाफ़ फतवा दे रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने ज़माने में देखा है, पूरी उम्मत को एक तवातुर से एक अमल करते हुए देखा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, ला तज्तमी उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। यहाँ तक के जो अहले हदीस हजरात हिंदुस्तान में 150 साल पुराने जो फतावा हमें मिलते हैं उसमें अहले हदीस की किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि औरतें सिमट के नमाज़ पढ़ेंगी। तो ये इस दौर में एक, मैं समझता हूँ कि एक नया फतवा है जो चल पड़ा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन हमें उम्मत के जो इजमाई मसाइल हैं उनमें इन्हराफ नहीं करना चाहिए। और ख़ुद हदीस से भी साबित है कि पर्दे के मामले में औरत का हुक्म मर्द से मुख्तलिफ है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत की घर की नमाज़ मस्जिद की नमाज से बेहतर है। क्यों? घर में पर्दा ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि औरत के अंदर घर के कमरे की नमाज सहन की नमाज से बेहतर है, हालांकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई नामहरम थोड़ी है, औरत का अपना घर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि भाई अगर अकेले में औरत नमाज़ पढ़ रही है तो फिर भी उसको सिमट के नमाज़ पढ़ने का हुक्म क्यों दिया जाता है, हालांकि वहाँ तो देखने वाला कोई नहीं है। तो हम यही बात कहते हैं कि औरत के घर में कोई नामहरम नहीं है, फिर भी हदीस में आता है कि सहन से कमरे में नमाज़ पढ़ना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इससे साफ पता चलता है कि औरत की नमाज में हया का उनसर झलकना चाहिए और ये ज़ाहिर होना चाहिए कि ये औरत है। हदीस में ये भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तस्बीहु लिर्रिजाल वत्तस्फीकु लिन्निसा। इमाम से अगर नमाज में गलती हो जाए तो मर्द अल्लाहु अकबर या मर्द सुबहान अल्लाह कह के गलती पे तंबीह करेगा, लेकिन औरत को आवाज़ निकालने की इजाज़त नहीं है। हालांकि नॉर्मली औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है, वो ज़रूरत के वक्त बोल सकती है, लेकिन नमाज में उसको बोलने पर भी पाबंदी लगा दी कि वो दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली पर रखकर ऐसे ताली मारेगी जिससे इमाम को पता चलेगा कि वो गलती कर रहा है। तो पता चला नमाज के बाहर के हकाम अलग हैं, नमाज के अंदर के हकाम अलग हैं। इसी तरह और भी हमें इस बारे में रिवायात मिलती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब औरतों की इमामत की तो बिल्कुल सफ़ के बीच में खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई है, हालांकि इमाम तो आगे खड़ा होता है, औरत की इमाम जो है ना वो तो आगे खड़ा होता है, लेकिन हज़रत आयशा बीच में खड़ी हुई हैं ताकि इमाम जो है वो ज़ाहिर ना हो। तो यहाँ देखें किस कदर हया का ख्याल रखा है कि नमाज में औरत का औरतपन झलकना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि नमाज में औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती, आगे नहीं खड़ी हो सकती। बेटा माँ को नमाज़ पढ़ा सकता है, माँ बेटे को नमाज़ नहीं पढ़ा सकती, हालांकि माँ का दर्जा तो बेटे से ज़्यादा है। इसके बावजूद माँ जो है वो नमाज में पीछे खड़ी होगी, बेटा आगे खड़े होगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो है ना एक नमाज में मर्द और औरत में एक बड़ा फ़र्क रखा है कि उनका फ़र्क, ये फ़र्क नमाज के अंदर झलकना चाहिए। तो ये वो तमाम अहादीस हैं और रिवायात है जिनसे फ़ुक़हा ने, तमाम फ़ुक़हा ने इस्तिदलाल किया है कि भाई इससे साफ़ पता चलता है कि औरत और मर्द की नमाज की जो ज़ाहरी कैफियत है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो फ़र्क झलकना चाहिए नमाज के अंदर। और ये तवातुर से इजमाई मसला चला आ रहा है। तो अब लोग हदीस का मुतालबा करते हैं, तो जो मुतालबा करें आप उनसे मुतालबा कर लें कि सफ़ा और मरवा में जो है औरत दौड़ेगी नहीं, हदीस दिखाओ कहाँ है। तो उम्मत के इजमाई मसाइल इस तरह से तोड़ मोड़ कर हदीस का लेवल लगा के अगर हमने तब्दील करना शुरू कर दिए तो हमारे तो दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए उन्हीं फ़ुक़हा पर एतमाद करना चाहिए जो हमसे पहले मुहक़्क़िक़ गुजर चुके हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाया, मन काना मिनकुम मुस्तन्नन फल यस्तन्न बिमन क़द मात फ़इन्नल हय्य ला युअम्मनु अलैहिल फ़ितना। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो तुम में इक़्तिदा करना चाहता है तो आज के दौर के जो यूट्यूबर्स हैं और आज के दौर के जो मुहक़्क़िक़ीन हैं उनकी इत्तिबा ना करें, बल्कि जो दुनिया से जा चुके हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि हई पर फितने का अंदेशा ज़्यादा है। जो ज़िंदा लोग हैं उनके बारे में डर है कि ये दुनिया परस्ती में या अपनी दुकान चमकाने के लिए लेबल ये लगा रहे हैं कि हम दूसरों की दुकानें बंद कर रहे हैं, मगर इनका मकसद ऐसा ना हो कि अपनी दुकान चलाना चाह रहे हो। तो इसका भी ये ज़िंदा लोगों पर यह अंदेशा ज़्यादा है। पुराने लोगों की जो तहक़ीक़ात हैं वो तहक़ीक़ात लिल्लाहियत की बेस पर होती थी, आज नफ्स परस्ती का दौर है। तो इसलिए मैं फिर भी उन अहले हदीस उलमा पर हरगिज़ तंज़ नहीं कर रहा कि जो और कहते हैं कि औरतें जो हैं मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ेंगी, मैं उनकी नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका मकसद अपनी दुकान चलाना हो और वो कुरान और सुन्नत का लेबल लगा रहे हों। बाकी सब ऐसे नहीं होते, बाज़ लोग की तहक़ीक़ होती है, वो समझते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही बरहक़ है, तो हम ये समझते हैं कि जिनकी ये तहक़ीक़ है और वो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह उसके सामने जवाबदेही यानी उनके सामने है, उसके बावजूद उन्होंने ये फतवा दिया, तो फिर हम समझते हैं उनसे ये इज्तिहादी गलती हुई है और इज्तिहादी गलती पर भी अल्लाह ताला ने अजर रखा है। लेकिन हम आवाम को यही कहते हैं कि जो मुज्तहिदीन पहले गुजर चुके हैं, अबू हनीफा, मालिक, शाफी और अहमद इब्ने हम्बल, जिनको पूरी उम्मत मुहक़्क़िक़ मानती है, उनकी रिसर्च को आप फॉलो करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो अब जो बात ये कि असल तो ये कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी। अब सिमटने की कैफियत क्या होंगी, इनमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये कौन सी हदीस में लिखा है कि औरत सीने पे हाथ बांधेगी, ये कौन सी हदीस में आता है कि औरत सर्दे में दाएं तरफ पाँव निकाल के बैठेगी, ये कौन सी हदीस में आता है कि तशहुद में औरत दाएं तरफ पाँव निकालेगी या बाएं तरफ पाँव निकालेगी, ये कौन सी हदीस में आता है कि औरत रफ़ुल यदैन में कंधों तक हाथ उठाएगी और मर्द जो है ना वो कानों तक हाथ उठाएंगे। तो भाई अब हर चीज़ पे अलग से हदीस का मुतालबा करना ये गलत है, इसलिए कि जब सिमटना साबित हो गया इजमाए उम्मत से, और इजमा का हुज्जत होना वो हदीस ही से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, तो अब वो कैफियत मुबहम है, अहादीस में उनका सराहतन तस्करा नहीं मिलता, लिहाजा उसमें फ़ुक़हा की राय है मुख्तलिफ, तो आप जिस फ़क़ी की राय को फॉलो करें वो आपके लिए बेहतर है। तो इमाम अबू हनीफा के जो फ़िक़ा है उसके मुताबिक जो है, क्योंकि कंधों तक हाथ उठाने में जो है वो यानी उसमें औरत ज़्यादा खुल जाती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कानों तक हाथ उठाने में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ कंधों तक हाथ उठाए जाएं, और जब वो तैयात में बैठेंगी तो अपने दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल के इस तरह से ज़मीन पे बैठें, और सर्दा जब वो करेंगी तो दोनों पाँव जो है दोनों बाजू बिछा लिए जाएँ और पाँव को दाएं तरफ निकाला जाए, पूरे जिस्म को ज़मीन पे बिछा लिया जाए। इससे ये भी पता चलता है कि वो जो हदीस में आता है कि तुम में से कोई जो है वो कुत्ते की तरह सजदा ना करे, तो उससे मुराद मर्द हैं, उसमें ख़िताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्दों को है, इसलिए कि मर्द का इस तरह से उठ के ज़मीन पे सिमट के सजदा करना ये सुस्ती और काहिली की अलामत है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। लेकिन औरत का इस तरह से सिमट के सजदा करना ये सुस्ती की नहीं बल्कि उसकी हया की अलामत है। औरत का अपने सुरीन जो है वो कूले जो है वो सर्दे में उठाना ऊपर की तरफ, ये हया के बहरहाल खिलाफ है। बाद हजरात ने ये कहा है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से रिवायत है कि औरतें आहिस्ता लब्बैक कहेंगी, लिहाजा हम उस रिवायत की वजह से औरतों को आहिस्ता लब्बैक कहने का कहते हैं, और अब्दुल्ला बिन उमर से ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि वो औरत सिमट के सर्दा करेगी। तो ये याद रखें, अब्दुल्ला बिन उमर की जो रिवायत जो भी पेश करे तो ये इब्न जुरेज मशहूर मुदल्लिस है, उनकी मुदल्लिस रिवायत है, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि अगर आप कौल रसूल नहीं पेश कर सकते तो फिर असलाफ़ के अकवाल तो हमारे पास भी हैं जिसमें औरत को सिमट के सर्दा करने का हुक्म दिया गया है, जैसे इब्राहिम नख़ई रहमहुल्लाह ताला। अच्छा, इब्राहिम नख़ई रहमहुल्लाह से एक रिवायत ये भी है कि औरत और मर्द की नमाज़ में कोई फ़र्क नहीं है, और एक रिवायत ये भी है कि औरत नमाज में सिमटेगी। तो बाज़ लोग उनकी दूसरी रिवायत पेश करते हैं कि इब्राहिम नख़ई जैसे जलील क़दर ताबई, जिनका इमाम बुखारी भी बड़ा तस्करा करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं औरत की मर्द की नमाज़ में कोई फ़र्क नहीं है। तो याद रखें ये जो रिवायत है उनसे दोनों रिवायतें, एक रिवायत में आता है कि वो इब्राहिम नख़ई कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज़ में फ़र्क नहीं है, एक में आता है कि फ़र्क है, तो साफ़ पता चलता है कि उस रिवायत का मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है। तो औरत और मर्द की नमाज़ में फ़र्क नहीं है, रकतों के लिहाज से, क़िरात के लिहाज से, तस्बीहात के लिहाज से, जो मर्द ने पढ़ना है वही औरत ने पढ़ना है, जितनी रकतें उसने पढ़नी है इतनी इसने पढ़नी है, इस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरी जो इब्राहिम नक़ी से रिवायत है जिसमें आता है कि फ़र्क है, उससे मुराद है कि ज़ाहरी कैफियत के लिहाज से फ़र्क है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा ना हो कोई इब्राहिम नक़ी से वो रिवायत पेश करके आप उससे मुतासर हों और कहें कि अच्छा भाई ये तो हमें उनसे भी एक असलाफ़ का कौल मिल गया, तो ऐसा नहीं है। उस कौल की क्या हकीकत है वो मैंने आपको बता दी।